नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है माय मदर एट 66 और इसकी लेखिका हैं कमला दास, का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। आज बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सरल शब्दों में मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस चैप्टर के रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को सॉल्व कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको इस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो यहाँ पे आप बुक में देखिए, अगर आपके पास ये वाली बुक है राजीव प्रकाशन की, तो आपकी बुक में नीचे दिया होगा या तो अबाउट द पोएम या फिर सेंट्रल आइडिया, तो दोनों एक ही चीज़ है। अगर अबाउट द पोएम भी लिखा है तब भी, और सेंट्रल आइडिया लिखा है तब भी। तो पहला सेंट्रल आइडिया तो यहाँ से आप देख कर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, बट मेरे शब्दों में दूसरा सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अगर आपकी बुक में अबाउट द पोएम है या फिर सेंट्रल आइडिया लिखा है तो भी आप इसे लिख सकते हैं। ये बुक की लैंग्वेज में आपके लिए सेंट्रल आइडिया ही होता है, ठीक है। अब बात करें हमारे शब्दों में सेंट्रल आइडिया की, तो यहाँ पे देखिए माय मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया। सबसे पहली चीज़ कि सेंट्रल आइडिया आखिर होता क्या है, तो आसान शब्दों में एक ही बात समझ लीजिए कि सेंट्रल आइडिया वास्तव में वहाँ पर, यानी सेंट्रल आइडिया में हमें उस पोएम के बारे में ही बताना होता है कि हमने इस पोएम में क्या पढ़ा है और इस पोएम में क्या बताने की या क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको सेंट्रल आइडिया बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे सेंट्रल आइडिया बनाया यहाँ पे, कि द पोएम इट स्टार्ट्स विद द जर्नी। ये पोएम जो है, ये कविता जो है, ये एक यात्रा से शुरू होती है, ऑफ द पोइट, पोइट की, तो पोइट की एक यात्रा से ये कविता शुरू होती है। विथ हर मदर, कि पोइट अपनी माँ के साथ टू कोचीन, कोचीन जा रही हैं, ऑन मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे की मॉर्निंग में, ठीक है। और द पोइट नोटिस्ड, पोइट नोटिस करती है, पोइट देखती हैं हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, कि उनकी माँ उनके बगल बैठी हुई हैं। हु वाज डोजिंग, डी ओ जेड आई एन जी, हु वाज डोजिंग, जो कि जम्हाई ले रही हैं, एंड ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ है, एंड हर फेस वाज कलरलेस, उनका जो चेहरा है वो रंगहीन है, लाइक एसन एंड कॉप्स, जैसे मृत लाश होती है उस तरह से, ठीक है। तो लाश की भांति उनका चेहरा जो है वो रंगहीन है, अर्थात जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके चेहरे से सारे रंग गायब हो जाते हैं, अर्थात उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। यहाँ पे ये बात वो कहना चाहते हैं। आपने इस पोएम को अच्छी तरह से पढ़ा है अगर, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यही सारी चीज़ें पोएम में भी कही गई हैं और यही चीज़ें हम सेंट्रल आइडिया में भी लिख रहे हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। एट दैट द पोइट रियलाइज्ड, इस पर पोइट को रियलाइज होता है या एहसास होता है, दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, कि उनकी माता श्री बूढ़ी हो चुकी हैं, बट सून सेपरेटेड, सेपरेट मतलब होता है अलग हो जाना, दोज थॉट्स, लेकिन जल्दी ही वो इन विचारों से अलग हो गई, यानी इन चीज़ों के बारे में सोचना उन्होंने जल्दी ही बंद कर दिया। आगे वो कहते हैं कि एंड आउटसाइड, और बाहर, दीज देयर सीम्ड यंग ट्री, ग्रीन ट्रीज, और बाहर उन्होंने, यानी गाड़ी के बाहर उन्होंने, सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज, छोटे या जवान हरे पेड़ों को देखा, इंजॉइंग चिल्ड्रेन, और बच्चों को इंजॉय करते हुए देखा, देन रीच्ड एयरपोर्ट, और फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए, एंड स्टैंडिंग फॉर, FAR, स्टैंडिंग फॉर, दूर खड़ी होकर, लुक्ड हर मदर, उन्होंने अपनी माँ को देखा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा पोएम में कि कुछ स्टेप दूर खड़ी होकर मैंने माँ की ओर दोबारा देखा, ठीक है। तो फाउंड वैन, वैन वैन मतलब होता है फीका, तो उन्होंने देखा कि उनकी माता जी का चेहरा है वो फीका है, कलरलेस, कलरलेस का मतलब भी वही फीका यानी रंगहीन है, लाइक विंटर्स मून, सर्दियों के मून की तरह, चांद की तरह, चंद्रमा की तरह, जो कहना चाहें कह सकते हैं, एंड ओल्ड पेन, और पुराना जो दर्द था ना, एंड चाइल्डहुड फियर, और बचपन का जो डर था, रिटर्न्ड, वो वापस लौट आया। बचपन में हम किस चीज़ से डरते हैं, मम्मी जब मामा के यहाँ चली जाती हैं हमें घर पर अकेला छोड़कर, तो हम डर जाते हैं कि हम यहाँ पे अकेले कैसे रहेंगे, हम भी मामा के यहाँ जाएंगे, ऐसा होता है ना।
तो कुछ भी हो, मम्मी कहीं अकेले छोड़कर जाने लगे तो हम डरने लगते हैं कि अरे बिना मम्मी के हम कैसे रहेंगे, वही चीज़। तो बचपन का जो दर्द था और चाहे सॉरी पुराना दर्द और बचपन का भय वापस लौट आता है। बट द पोइट सैड, लेकिन पोइट कहती है टू मीट सून, कि वो जल्द ही दोबारा मिलेंगी। एंड वाइल पार्टिंग, और वो जब जा रही होती हैं तो कंटिन्यूसली स्माइल्ड, तो वो मुस्कुराती रहती हैं। ठीक है, तो अब ये पूरी की पूरी पोयम आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेंट्रल आइडिया के लिए भी और रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पेपर में ज़रूर आएंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पोएम को बहुत 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 बारीकी से और बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे।